सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लौट आए की खुशियाँ, अभी कुछ गम का शोर है, जरा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहान का दौर है। जीवन है तो बुरे दिन भी आएंगे, पर भरोसा रखो ये दिन भी निकल जाएंगे। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। आज का पंचांग 10 जून 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:19 से 2 तक रहेगी। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 3:42 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 10 जून 2020 दिन बुधवार, आप आज किसी अपरिचित शक्ति कुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज के दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आप जो भी योजना बना रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखें, क्योंकि आपकी प्लानिंग का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। जीवन साथी की सलाह से आपको धन संबंधी कार्यों को करने में सुविधा होगी। आज के दिन आपके लिए अपनी योजनाओं पर दोगुनी शक्ति लगाकर काम करने का है। अगर आप थोड़ी भी टाल मटोल करेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आज मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा बनी रहेगी, इसे उचित दिशा में लगाएं तो सफलता मिलेगी जो कि आपने अपने जीवन में चाहते हैं। इसके लिए यूनिवर्स या ईश्वर को धन्यवाद दें और चमत्कार देखें। आज आपको कई अवसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे जीवन में उन्नति हो सकती है। सावधानियां, सरकारी पेपर संबंधित कार्यों को सावधानी पूर्वक करें, कहीं पर पैसे भी फंस सकता है, अतः किसी को उधार नहीं दें। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार दोबारा उस पर सोच विचार कर लें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं, दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें, आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। करियर की बात करें तो कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वो पहली बार में हतोत्साही लग सकते हैं, लेकिन जल्दी ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप जो करेंगे उसमें आनंद आएगा और जल्दी ही इसमें सफल होने की उम्मीद रहेगी। सेहत की बात करें तो आप अभी किसी ऐसे स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाएं। खुद से अपेक्षा थोड़ी कम रखें, खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़कर कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दें। और आप संतुलित भोजन करें और खूब सारा पानी पिए जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।